नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराधनाई में। दोस्तों, धूप के विषय में मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया है, जिस सवाल का आज जवाब देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, लोबान और धुना जो है, इस विषय में बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, जिस विषय में बात करने के लिए ही इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, लोबान और धुना जो है, वो दोनों ही जो है एक पेड़ का गोंद होता है दोस्तों। पर लोबान जो है वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये श्रीलंका या फिर जो मतलब कहा जाता है कि सिंघल प्रदेश जो है, वहाँ से ज़्यादातर लोबान की आयात जो है हमारे देश में किया जाता है दोस्तों। पर हमारे धुना जो है, यानी कि जिस धुना से हम धूप जलाते हैं, जिसका उल्लेख जो है हमारे संस्कृत ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, चाहे वो स्मृति शास्त्र हो, चाहे वो पुराण हो या फिर दूसरे शास्त्र हो, उसमें जब धूप जलाने के विषय में या फिर हवन करने के विषय में जिस गोंद के बारे में कहा गया है, वो धुना है दोस्तों। इस धुना से बार्निश का कार्य भी किया जाता है। ज़्यादातर लोबान की जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो मुग़ल पीरियड के बाद हमारे भारत में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। पर अभी जो है, हम लोग लोबान का इस्तेमाल तो करते हैं, पर धुना उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत सारी जगह पर लोबान के नाम पर भी धुना दे देते। पर धुना जो है दोस्तों, वो हमारे भारतीय गोंद है एकदम पूरी तरीके से, जिस तरीके से गुग्गुल है, और गुग्गुल प्रजाति का ही है ये एक दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें धुना इस्तेमाल करना ही ज़्यादा सही होता है, कि क्योंकि धुना की जो सुगंध है ना, वो धुना की सुगंध आप किसी और चीज़ में नहीं पा सकते। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोबान जो है मुस्लिम परंपरा में जलाई जाती है और धुना जो है वो हिंदू परंपरा में जलाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू पूजा में जो है लोबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि भगवान तो एक ही है दोस्तों, और हर किसी के पूजा के ये जो विधि और नियम है ना दोस्तों, वो इसी तरीके का है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू पूजा में उस तरीके की इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुस्लिम लोगों में ही इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पर धुना जो है वो अगर आप पूजा में जलाते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे मौखिक परंपरा हो, चाहे हमारी लौकिक परंपरा हो, उन सारी चीज़ों में धुना का ही वर्णन किया गया है दोस्तों। इसलिए अगर आप पूजा में धुना जलाते हैं ना, तो वो ज़्यादा सही होता है दोस्तों। कहा जाता है कि धुना के जो सुगंध होते हैं ना, वो कई ज़्यादा लाभदायक होते हैं, और उसके साथ अगर आप गुग्गुल मिलाकर जलाते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। पर किसी धर्म के आधार पर इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि लोबान या फिर धुना इस तरीके से कि वो मुस्लिम परंपरा की है, ये हिंदू परंपरा की है, इस विषय को ध्यान में रखकर जो है दोस्तों, वो इसे अलग नहीं किया जा सकता है। धुना का इस्तेमाल वैसे जो है हमारी पारंपरिक पूजा में बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसलिए आप बहुत समय से अगर पूजा के इतिहास देखेंगे, या फिर हमारे जो संस्कृत ग्रंथ है, या फिर दूसरे भी जो लिखे हुए, यानी कि हिंदी में या फिर बहुत से प्रादेशिक भाषाओं में जो किताब है पूजा आरती के ऊपर, उसमें भी आपको धुना का, गुग्गुल का, इन सारी चीज़ों का ही उल्लेख मिलेगा। वहाँ पर लोबान का उल्लेख बहुत कम मिलेगा। लोबान वैसे अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा जलाया जा रहा है, क्योंकि लोबान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया, यानी कि लोबान के ये धूप जो है वो आसानी से मिल जाता है, और बहुत से पूजा भंडार में जो है धुना दे देते हैं, लोबान बताकर धुना ही देते हैं आपको दोस्तों, पर हम उसे लोबान मानकर ही जलाते हैं। पर लोबान जो है वो बाहर से आता है दोस्तों, और जो धुना है वो हमारे भारत में ही मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोबान जलाना चाहें तो आप वो भी जला सकते हैं दोस्तों धुनुची में, अगर आप धुना जलाना चाहें तो वो भी जला सकते हैं दोस्तों। पर मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान की पूजा में, आरती में आप कोई धूप जलाना चाहते हैं इस तरीके से, जो ओके निर्यास होता है, तो उस निर्यास को हमेशा ही जो है दोस्तों धुना ही जलाना चाहिए और गुग्गुल ही जलाना चाहिए। क्योंकि धुना और गुग्गुल एक साथ जलाने से कहते हैं कि देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, और उस सुगंध को वो भोजन की तरह जो है, उनके भोजन ही होता है एक तरीके से दोस्तों। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये औषधि है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना, वो
भोग के तरह यानी कि ई नैवेद्य की तरह ग्रहण करते हैं दोस्तों। इसलिए ये धुना और गुग्गुल उसमें अगर थोड़ा सा घी मिलाकर और जलाया जाए तो दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों आप देखेंगे कि जो यज्ञ कार्य है यानी कि जो हवन कार्य है उसमें भी ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, पर वहाँ पर लोबान अलग से नहीं कहा गया है क्योंकि प्राचीन जो ग्रंथ है वहाँ पर लोबान के उल्लेख नहीं है। लोबान की जगह पर जो है ये हमेशा अधुना का ही उल्लेख है, यानी कि लोबान उस समय उतना परिचित नहीं था इस नाम से, और ये मुगल काल के बाद आया है क्योंकि मुगल काल इन समय में जो है लोबान बहुत ही ज़्यादा जो है आयात किए जाते थे, और इस वजह से ये जो है ये दोस्तों क्या होता था कि लोबान की भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ख़ासकर ये चलन जो है उत्तर भारत में आपको ज़्यादा दिखाई देगा दोस्तों। आपको पूर्वी भारत में या फिर दक्षिण भारत में जो है ना आपको उतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं दिखाई देगा। आप अगर बनारस में गए हैं दोस्तों, वैसे दोस्तों वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इसे लोबान ही कहते हैं, पर वहाँ पर जो चीज़ जलाई जाती है दोस्तों, मैं बनारस जाकर मैंने जितना देखा है वो धुना ही है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी पूजा करें तो कोशिश करें कि असली और अच्छी धुना का उपयोग करने की, उसके साथ साथ गुग्गुल उपयोग करने की, क्योंकि धुना ही जो है वो ही हमारे प्राचीन धूप की रूप में वर्णित किए गए हैं दोस्तों। दोस्तों आप अगर इस बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं या फिर इस बारे में आप कुछ जानते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर जितना जानता हूँ उतना आपसे शेयर करता हूँ, आप भी जितना जानते हैं या फिर इस विषय में आपकी कोई जानकारी होगा किसी भी विषय में तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आदान और प्रदान के माध्यम से ही जो है एक सिलसिला चलता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको धूप दीप आराधना आरती के बारे में बताता हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और आसान तरीके से जो है हर कोई जो है चाहे वो घर पे रहने वाले हो चाहे वो बाहर रहने वाले हो पूजा पाठ को कर सके दोस्तों। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बड़े जानकार नहीं हूँ। अगर आप पूजा पद्धति या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर जानने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए तो मैं नहीं हूँ दोस्तों। मैं बहुत ही संक्षिप्त पद्धति से और बहुत ही आसान सहज तरीके से कैसे पूजा आरती की जा सकती है, कैसे धूप दीप से भगवान को प्रसन्न की जा सकती है, उनके ये जो है ये हम पूजा या फिर ध्यान कर सकते हैं, वही मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ दोस्तों। बहुत सारे बड़े या फिर बड़े आयोजन के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।